दोनों परेशान मत हो। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, इसलिए भगवान मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और माँ, जो सब कुछ आपके साथ हो रहा है, सब लोग मिलके जो आपके साथ कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है बेटा, लेकिन शायद भगवान को इम्तिहान ले रहे। भगवान कभी कभी इम्तिहान लेते हैं, ज्यादातर उन लोगों के जो इम्तिहान देने के लायक हो। मुझे लगता है सब सब ठीक हो जाएगा। सब कहने की बात है कि सब ठीक हो जाएगा। जब हम दोनों मुसीबत में थे तो आपने कितनी हमारी हेल्प की थी, मदद की थी, और हमारी बदकिस्मती देखिए, हम आपकी हेल्प ही नहीं कर पा रहे। माँ सृष्टि, ऐसे नहीं रोते बेटा, तुम दोनों को रोता देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी सारी हिम्मत टूट जाएगी। मैं कुछ भी देख सकती हूँ, लेकिन अपनी बच्चियों के आंख में आंसू नहीं देख सकती। मैं कह रही हूँ ना, सब सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है, मैं आपको जेल से बाहर निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ बाबा। चाहे इसके लिए फिर ये फूड पॉइजनिंग का इल्जाम खुद पर ही क्यों ना लेना पड़े। मैं लोगों को जाके बोल देती हूँ कि ये सब मैंने किया है, फिर आपको वो छोड़ देंगे। रमन कर रहे हैं जोर की थप्पड़। कैसी बेवकूफ वाली बातें करती है, कुछ भी बोलती है जो मुंह में। इसको पता भी है तुम दोनों अभी कितने छोटे हो, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम दोनों के सामने। इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पर ले लेगी तो दुनिया जीने देगी क्या? मेरी ज्यादा जिंदगी तो बीत गई है, और जो कुछ भी है वो सिर्फ मैं अपनी बच्चियों के लिए जीती हूँ। तुम दोनों हो मेरी जिंदगी। और Excuse me, यहाँ पर इमरजेंसी रूम कहाँ है? वहाँ पे। रुक जा पिता, लूथरा परिवार के किसी भी इंसान से मिलने की कोशिश मत करो। और जो तुमने किया है ना, उसके बाद तुमसे ना तो कोई मिलना चाहता है और ना ही तुम्हें कोई माफी मिलेगी। मैं यहाँ किसी से माफी मांगने नहीं आई हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। मुझे बस ऋषभ जी से बात करनी है। हाँ हाँ, किसी और से तुम मिलना भी क्यों चाहोगी, सिवाय अपने चहेते ऋषभ जी के अलावा। एक मिनट चले, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी सोच गलत दिशा में भटक रही है। अगर तुम्हें लगता है कि दोस्ती के अलावा मुझे ऋषभ जी में कोई भी इंटरेस्ट है, तो तुम्हें गलत लगता है। ऐसे ख्याल भी अपने मन से निकाल दो। वेरी नाइस, आखिर सच्चाई जुबान पर आ ही गई ना। मैंने तो तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, कभी कुछ कहा तुमसे? बात घुमा कर कही, लेकिन मतलब तो वही था। किसी से नहीं मिल सकती, स्पेशली ऋषभ से तो बिल्कुल नहीं। आज किसी के रोकने से मैं रुकने वाली नहीं हूँ। ऋषभ जी से बहुत जरूरी बात करनी है, एक वही है जो मेरी मदद करेगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये प्राइवेट इमरजेंसी एरिया है, या आउटसाइडर्स अलाउड नहीं।